यूपी के बलिया में दीपावली से पूर्व ही अवैध पटाखा पकड़ा गया। 10 लाख से ज्यादा का अवैध पटाखा बरामद हुआ। रस्ता कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत श्रीनाथ बाबा मार्ग के सेंट्रल बैंक स्थित एक दुकान व गोदाम में एसओजी व सर्विस लांस टीम ने छापा मार कर 10 लाख रुपए से अधिक का अवैध पटाखा बरामद कर संचालक को हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। छोटी काशी के नाम से सुप्रसिद्ध रस्ता में अवैध पटाखों की बिक्री की सूचना मिलने पर जनपद के एसओजी और सर्विस लांस टीम ने रस्ता पुलिस के सहयोग से गोदाम पर उस समय छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी जब दुकान से ई रिक्शा से माल लादकर अवैध पटाखा कहीं ले जाने का फिराक में था। तभी पुलिस ने पटाखे को अपने कब्जे में लेकर संचालक को हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं लोगों ने बलिया पुलिस अधीक्षक को बधाई देते हुए एसओजी व सर्विलांस की टीम को बधाई दी। समय रहते अवैध पटाखा पकड़ लिया। साथ ही साथ लोगों ने बताया कि इसी मार्ग पर चौकी इंचार्ज सुबह शाम टहलते हैं मगर इतना बड़ा पटाखा दिखाई नहीं पड़ा। लोगों में चर्चा है कि यह तो छोटा दुकानदार है, नंबर 1 पे नवीन कृषि मंडी से पहले काफी मात्रा में इकट्ठा कर रखा है। बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट।